रोल भाई अंकल हाथ आ रहे हैं भाजी हो गए सेट भाजी हो गए भाजी बहुजन समाज पार्टी पंजाब दे विच दलता पछड़े वर्गां नाल जिहड़ा अणगौलियापन पंजाब सरकार दा चल रहा जुल्म अत्याचार चल रहा उहदे तो बहुत ज़्यादा पंजाब दे लोग जिहड़े दुखी है निराश है दलित भाईचारे दे विच बहुत बड़ा गुस्सा पछड़े भाईचारे दे विच बहुत बड़ा गुस्सा चल रहा पिछले दिन ही जलंधर दे विच प्रशासन ने 163 दलतां पछड़ियां गरीबां ते परचा दर्ज किया और पिछले दिन ही सहीपुर दे विच बाबा साहब अंबेडकर की पार्क के मुद्दे से लैके अज पंजाब सरकार घर घर जिहड़ा हैगा बसपा लीडरां दे खिलाफ वर्करां दे खिलाफ नोटिस चिपका रही है अज पंजाब सरकार जिहड़ी कि दलतां पछड़े वर्गां की हर गल नूं भुल चुकी है अज पंजाब दे विच हर मुद्दे ते वख-वख पार्टियां दीआं कुर्सियां डहिंदियां लीडरां दीआं कुर्सियां डहिंदियां पर उन्हां कुर्सियां विच एक भी दलित नहीं हुंदा एक भी पिछड़ा नहीं हुंदा पंजाब दे विच 2/3 जिहड़ी पापूलेशन है इस वर्ग नूं अणगौलिया इन्ना वड्डे पद्धर ते कीता जा रिहा कि 19 महीनिआं दे विच एक भी मुद्दा दलित और पछड़े वर्ग का हल नहीं होया चाहे वह दलित डिप्टी सीएम लाउण दा मुद्दा होवे चाहे वह 5-5 मरले प्राण देण दा होवे चाहे वह गरीबां दे करजे माफ करन दा होवे चाहे वह गरीबां दे बच्चियां नूं IAS PCS दीआं फ्री कोचिंगां देण दा होवे चाहे वह गरीबां दे बच्चियां नूं मुफ्त इन्हां ने गरंटी दित्ती सी विदेश भेजांगे उहदा मुद्दा होवे असी पंजाब दे विच दलतां और पछड़े वर्गां दी आवाज़ जिहड़ी आ उह 1 नवंबर नूं जिथे पंजाब सरकार पंजाबी यूनीवर्सिटी च बैठूगी कुर्सियां डाह के जिथे एक भी दलित दी और पिछड़े वर्ग की कुर्सी नहीं रखी इन्हां ने पछड़े वर्गों के मुद्दों पर कुर्सी नहीं रखी असी पंजाब दे विच जलंधर शहर दे विच जे अज भी समझते हैं कि दलित बोरिया से बैठने योग है तो असी पंजाब दे विच 1 नवंबर नूं जलंधर शहर बोरिया बिछा के पंजाब सरकार के खिलाफ और दलित पछड़े वर्गों लिए इंसाफ देने के लिए असी उह प्रदर्शन करांगे गड़ी साहब जेकर असी गल करिए तो BSP जिहड़ी आ उह पंजाब दे विच अपना आधार क्यों नहीं बना सकी क्यों नहीं दलित लोगों नूं अपने नाल जोड़ सकी बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा दे विच 1 MLA आ 2019 दे विच 2,04,000 वोट कढ़ी आ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸੀ ਔਰ 150 ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ 85 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ 85/23 ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਦਪੁਰ ਅੱਡਾ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਲੋਕਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿੱਦਣ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ DIG ਨੂੰ ਮਿਲੇ DIG ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 23-25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ SHO ਮਕਸੂਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮਤਲਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆ ਜਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 28 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ 22 ਨੇ ਮਤਲਬ 28 ਨਹੀਂ 34
मतलब टोटल 47 बंदियां ते 22 नेम साडे ते परचा कर दिता। बलविंदर जी एक उस तो बाद भी तुसीं धरना प्रदर्शन कीता सी करतार पटेल जी साहब दफ्तर दे बाहर, जिहड़ा उन्होंने तुहानूं आश्वासन दिता है कि जिहड़े परचे ने कैंसल करते जाणगे। मैं उही कह रहा उह रिकॉर्ड नहीं भेजदे सी ते उह असीं धरने तों बाद उत्थे रिकॉर्ड भेजिया, उदों सानूं पता लगा भी पहला जिहड़े 13-22 नेम सी उहदे विच 34 होर ऐड हो गए ते 47 बंदियां दे साडे ते 22 नेम झूठा जिहड़ा परचा हलका करतारपुर जिथों की कैबिनेट मंत्री सरदार बलकार सिंह नुमाइंदगी करते हैं, मतलब एक तरह सरकार के विच ही है, मतलब सीनियर मिनिस्टर है, तुम देख लो भी उत्थे ही सरकार वालों जिहड़ा किन्ना जिहड़ा आ मतलब अन्याय जिहड़ा कीता जा रहा। और सहीपुर का जिहड़ा मसला हैगा उहदे ते जिस लेवल की साडे खिलाफ़ हिंसा की गई, जिस तरह सानू लिजाया गया, मतलब 2,00,000 लोगों की मैं नुमाइंदगी की 2019 के 34,000 लोगों की करतारपुरों की आ, भी वह भी किसी ढंग ने जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उस तो बाद भी लगातार कारपोरेशन का जबकि पार्क पार्क ना कोई लेना देना नहीं है, लगातार जी जिहड़ा साडे खिलाफ़ काम सरकार वालों सरकार दी एजेंसियां वालों किया जा रहा। और वो संबंध में पार्टी वालों 1 नवंबर में जिहड़े पूरे पंजाब के जिहड़े दलित पिछड़े वर्गों के खिलाफ सरकार वालों काम किया जा रहा है, तो 1 नवंबर में जलंधर में जिहड़ा प्रधान जी ने जिहड़ा जिहड़ा उन्हां दी अगवाई च पार्टी ने फैसला कोई जगह स्थान को फाइनल जगह एक अद्धे दिन च आपां फाइनल कर दिंदे। सो जिहड़ा तुहाडे दे परचे पहलां दर्ज कीते गए सही पर मामले च ला लो जां हाईवे एक्ट ला लो, उस तो बाद जिहड़े तुसीं 34 गिने उह किहड़े उन्हां ने परचे दर्ज कीते? नहीं, जिद्दां 13-22 नेम सी 150 अणपछाता सी, जिहड़ा 150 अणपछाता सी उहदे विच्चों उहनां ने 34 होर 22 नेम कर दिते। अच्छा, 34-22 नेम 34 आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, लेकिन उससे तो तुम्हें विश्वास है कि जो पहले वो भी कटे जा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, इन्वेस्ट किया था अपना 25 नु इंक्वायरी ला रहे हैं कि फिर 13 जिथे एक पर्चा उथे रुकना चाहिदा सी। हां जी, हां जी, तो वो बाद च भी इंक्वायरी लगन तो बाद भी दूजे जिले च ये एसएचओ इथे पर्चा करदा रहे, क्योंकि उदो मौके ते डिप्टी साहब ने तुम्हें विश्वास दिता सीगा करतारपुर वाले ने, डीआईजी ने दिता सी, बिल्कुल तुम डीआईजी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जेडी पार्ट जेड़ा हुशियारपुर दे, हां जी हां जी, उन्होंने दिता सीगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपा पूरी इन्वेस्टिगेशन करन तो बाद जेड़े जपा नाम कार्ड जेड़े कर इन्वेस्टिगेशन चलदी आ, डीएसपी रैंक दे ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो पूरी नहीं हुई, इतने एसएचओ उत्थे रिकॉर्ड नहीं भेजिया देहाती पुलिस ने, किहड़ा कह सकदे वी कौन कसूरवार जिहड़ा जिहने सरकार दा प्रेशर ही है सारा, मतलब प्रेशर ही थले करके सारा जिहड़ा उन्होंने रिकॉर्ड नहीं भेजिया, कोई रूल की परवाह नहीं की जाती, कोई कुछ नहीं है, उस तो अलावा फिर परचे दर्ज हो गया 34 बंदियां दे होर कर।